नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर, आईपीएस जो कि निलंबित थे यानी के जो सस्पेंडेड जो आईपीएस थे बसंत रात को लेकर आ रही है। लगातार सुर्खियां बटोरने वाले अपने सोशल मीडिया हैंडल से और साथ ही साथ ये कहेंगे जो लगातार ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिलबाग सिंह जो कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं उन्हें उनके लेकर काफी विवाद सामने आए हैं। बात करेंगे 2000 बैच के आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज के जो कैडर के यहाँ आईपीएस बसंत रात जिन्हें 2020 की अगर बात करें उन्हें सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ यानी डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह के लिए कुछ टिप्पणियां कर डाली थी अपने सोशल मीडिया हैंडल से, उसी के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया था। हाल ही कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था सस्पेंशन के चलते, पर वहीं साथ ही दूसरी तरफ उन्होंने अपनी जो इस्तीफे की मांग भी कई जगहों पर रखी थी। बताना चाहेंगे जो आईपीएस जो बसंत रखे एसएसपी जम्मू एज ए कार्यभार उन्होंने संभाला था, उसके बाद आईजीपी ट्रैफिक और उनके कार्यकाल में क्या हुआ था वो जनता भली भांति जानती है। जहां एक तरफ उनके काम की प्रशंसा की जा रही थी वहीं दूसरी तरफ उनके उग्र व्यवहार की तरफ से व्यवहार के चलते आम जनता ने परेशानी और आपत्तियां भी जताई थी। अपनी दबंगगिरी के चलते कई बार उन्होंने ये भी लिखा है कि आपने सोशल मीडिया पर आपको लगेगा देखेंगे तो आईपीएस बसंत रात दबंग ये भी लिखा हुआ नजर आएगा, पर उन्हें दबंग के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ बताएंगे उन्होंने काफी जगहों पर आप इस्तीफे की मांग भी की थी, बताया ना चाहेंगे चीफ सेक्रेटरी को भी इस्तीफे की मांग की थी, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, और साथ ही साथ और एक उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी अजय बल्ला आईएएस, उन्हें भी इन्होंने अपनी इस्तीफे की मांग की थी। अल्टीमेटली अभी की जो बड़ी खबर है जो उन्होंने मांग की थी उनकी मांग को मंजूरी दे दी गई मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। प्री मेच्योर रिटायरमेंट जो बसंत रात की थी उन्हें मंजूर कर लिया गया है, ये जो अभी तक की बड़ी खबर हम आपके समक्ष हम रख रहे हैं। और साथ ही साथ 2000 बैच के आईपीएस बसंत रात को प्री मेच्योर जो कि रिटायरमेंट दी गई अंडर रूल 63 ऑफ ऑल द इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल 1958 के तहत उनकी जो प्री मेच्योर यानी रिटायरमेंट है वो फिलहाल उसे मंजूरी दे दी गई है। और साथ ही साथ मंजूरी देते ही लगातार आपने देखा 2 दिन पहले का भी वीडियो था किस तरह से उन्होंने डीजीपी दिलबाग सिंह को दिल्लू के नाम से जो पुकारा उसके बाद साफ तौर पर कहा कि क्राइम की एक दुनिया एक ये क्या क्राइम का एक पूरा जो चला रहे हैं यानी कि जो अगर क्राइम रेट नहीं कर रहा या नशे को वो मुक्त नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारा ठीकरा जो जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ है दिलबाग सिंह उन पर फोड़ा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक रियासत सियासत जो यानी कि रियासत जो है एक बड़ा जो महल है उन्होंने क्राइम का खड़ा किया, ये दिलबाग सिंह पर तंस कसी है। लगातार इनका विवाद आपको देखने को मिला है कि लगातार जो मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से कभी आपको ये वो बसंत रथ जो अपनी नेचर की वजह से यानी कि अपने व्यवहार की वजह से जाने जाते हैं, कभी वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, कभी वो बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं और कभी अपना गुस्सा दिखाते हैं। और जब आईजीपी ट्रैफिक जम्मू की अगर बात करें कश्मीर तक की कई बार उन्होंने उनकी ये भी सामने चीजें आई कि उन्होंने महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और साथ ही साथ गाली गलौच आम जनता के साथ की जब आईजी ट्रैफिक थे, और उसी के चलते अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाने वाले बसंत रथ उनकी काफी फैन फॉलोइंग थी, लोग उन्हें काफी उनके इस बेबाकी रवैये से काफी पसंद करते थे। पर साथ ही साथ बार बार वो अभी कुछ दिन पहले की वीडियो लगातार सामने आ रही थी, वो कह रही थी मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा और भाजपा ज्वाइन करके मैं नामो निशान खत्म कर दूंगा जम्मू कश्मीर से ड्रग्स का। कहीं ना कहीं उन्होंने डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह को ठहराया कि वो विफल साबित हुए हैं ड्रग्स को इन माफियाओं को जम्मू कश्मीर से खदेड़ने में। वहीं दूसरी तरफ एक जो अपने उन्होंने जो अपना फेसबुक जो प्रोफाइल है उस पर ये डाला है शेयर किया है भारतीय जनता पार्टी का, ये जरूर दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने मेंबरशिप जो ऑनलाइन है उसके लिए अप्लाई किया था और ये अपने उन्होंने फेसबुक हैंडल पर ये डाला हुआ है। यानी कहीं ना कहीं बसंत रथ जी का जो रुझान है वो भाजपा की तरफ ज्यादा था और बार बार वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो के माध्यम से यही कह रहे थे कि मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा फिर सफाया करूंगा। अब क्या लगता है कि ये मतभेद जो था यानी कि दिलबाग सिंह जो डीजीपी जम्मू है पुलिस के या एक आईपीएस अधिकारी सस्पेंडिंग अधिकारी ये कहेंगे जो कि बसंत रात की जो मतभेद है क्या लगता है ये मनभेद में बदल गए या मतभेद का यहाँ पर खात्मा हो गया, और या फिर ये कहें कि अब एक नई दिशा को इस जो इनकी आपसी जो रंजिश चल रही है या आपसी टकराव है ये कोई और दिशा लेगा। और वही दूसरी तरह बताएंगे कि एक वीडियो 2 दिन पहले जब वायरल हुआ उसी के बाद
फिलहाल ये के दो दिन के अंदर ही इनका इनका जो यानी के इन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट की जो अर्जी डाली थी वो मंजूर की गई। क्या लगता है इन सारी चीजों के पीछे के आखिर क्या लगता है कि भाजपा ज्वाइन कर अब क्या इनका तरफ वाकई के जो बसंत रथ लगातार कह रहे हैं मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा, पर वही सवाल बड़ा है कि शायद बसंत रथ ये चाहते ये सोचते हैं कि एक भाजपा में जाने से ही सारे मसलों का हल होगा या भाजपा में जाने से ही वो जो ड्रग्स माफिया को खत्म कर पाएंगे। तो पहले हम ये जरूर बसंत रथ जी से जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा कैडर है भाजपा का, क्या उसमें से कोई भी सक्षम नहीं था या उन्हें नहीं ध्यान उनके नेताओं को जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है 25 जो MLA हैं यहाँ के, क्या उन्हें नहीं ध्यान कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स है उन्हें किस तरह से खत्म किया जाएगा। यहाँ पर बड़े नेता भी आए जिन्होंने दामन थामा भाजपा का, किसी ने जम्मू जम्मू का नारा लगाया और किसी ने डोगरा डोगरा का नारा लगाया, आज वो कहीं ना कहीं लुप्त नजर आ रहे हैं। और क्या लगता है अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं बसंत रथ, क्या उनकी गिनती भी उनकी शुमारी भी उन्हीं नेताओं में आएगी जो बड़े बड़े वायदे तो जिन्होंने करके भाजपा का दामन थामा है पर आज जब जनता के मुद्दों को उजागर करने की बात आए तो कहीं ना कहीं वो गुम नजर आ रहे हैं। ये बड़े सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। अब क्या लगता है कि बसंत रथ भी जिन मुद्दों को लेकर या जिस सोच के साथ भाजपा का दामन थामेंगे ये बड़ा सवाल रहेगा, या जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर एक ह्यूमर जो चलता रहता है बसंत रथ को लेकर, कभी कोई वीडियो कभी किसी बच्चे के साथ खड़ा मिलते हैं, कभी किसी कोई वीडियो अपनी बनाते हैं और इस तरह के कहीं ना कहीं जो निशाना साधते हैं DGP दिलबाग सिंह पर, क्या लगता है उनकी ये लड़ाई यहीं पर खत्म होगी, उनका जो मतभेद है या कोई और दिशा लेने वाला है? फिलहाल ये जरूर कहेंगे एक IPS का जो कैडर था, यानी उनका एक IPS कैडर के जो एक ऑफिसर थे, क्या उनका IPS का जो कैडर है उसका अंत अब हो गया है, यानी कि अब होम मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनका जो है इस्तीफा प्री मेच्योर जो रिटायरमेंट थी उसे मंजूरी दे दी गई। लगातार वो यही कह रहे थे कि मुझे रिटायर कर दीजिए, और साथ ही साथ उन्होंने DGP जम्मू के लिए ये कहा था कि आपने मेरा जीना मुहाल किया था, मैं आपका जीना मुहाल करूंगा, यानी लगातार तंज कसते हुए कहीं ना कहीं वो वान भी करते थे और लगातार एक सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक सुर्खियां बटोर रहे थे और चर्चा का विषय थे कुछ दिनों से लगातार बसंत रथ। और शायद लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद बसंत रथ जो कह रहे हैं उनके करनी और कथनी में शायद अंतर होगा, पर अब जिस तरह से इस्तीफा मंजूर किया गया और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा का जो भाजपा जो जो मेंबरशिप ली है, यानी ऑनलाइन जो आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई है उसके चलते साफ तौर पर लग रहा है कि बसंत रथ जी भाजपा को लेकर सीरियस है। पर देखना यह है कि जो काम वो एज ए IPS होकर नहीं कर पाए, क्या लगता है अगर कोई भी सियासी पार्टी, यही नहीं कि भाजपा है क्योंकि वक्त है, वक्त कुछ भी हो सकता है, क्या लगता है कि आपको अगर भाजपा या किसी और पार्टी का दामन थामते हैं वो उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से एज ए IPS किया था या उस कार्यकाल में और जिस तरह से उन्होंने काम किया इस तरह से सियासत में जाकर भी काम करेंगे? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, क्या लगता है कि बसंत रथ का IPS का कैडर का खात्मा अंत हुआ है, अब दूसरी जो उनकी पारी है शुरू होगी वो किस और शुरू होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, पर फिलहाल अपनी बेबाकी के साथ और अपने इस रवैये तीखे रवैये के चलते सुर्खियों में रहने वाले बसंत रथ 2000 कैडर के जो IPS बसंत रथ थे उन्हें फिलहाल रिटायरमेंट जो उसकी है मंजूर दे प्री मेच्योर रिटायरमेंट को मंजूरी दे दी, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अगला कदम क्या होगा जल्दी लगता है कि पल पल की जो खबरें हैं जो भी जिस तरह के उनके साथ लाइव में जो हो रहे हैं चीजें हो रही हैं, चाहे उनके ऊपर एफआईआर लगी, चाहे उन्होंने जो अपने इस्तीफे के लिए आवेदन दिए अप्लाई किया जहां भी उन्होंने भेजे वो सारी चीजें, वो जो उनकी ऊपर एफआईआर थी वो भी उन्होंने अपने उनके ट्विटर हैंडल पर साफ तौर पर आपको एक खुली किताब की तरह मिलेंगी, वो कुछ सब सारी हर चीज को पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, सोशल मीडिया पर यानी के डिस्क्लोज कर देते हैं, कोई छुपाते नहीं है। आप देखना यह है कि आने वाले समय में क्या लगता है किस तरह की वीडियो डालेंगे, अब एक IPS का जो उनका एक प्रोफेशन था या यूं कहें उनका कैडर था उसका तो अंत हो गया, अब क्या लगता है कि बसंत रथ एज ए सियासतदान के तौर पर सामने जनता के आएंगे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।